दोस्तों, जो इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी और आप अभी यही बात कर रहे हो और यही कमेंट कर रहे हो कि भाई हमारा तो कोई ब्लॉग कोई वेबसाइट से हमारा तो एडसेंस अप्रूवल है नहीं, तो फिर हम कैसे उन स्क्रिप्ट ने हम ऐड लगाए और ऐड लगा कर हम कैसे पैसे कमाए। तो आप ये वीडियो आप देख दीजिए यार। इस वीडियो को एक तो बनता है लाइक, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ विदाउट एडसेंस आप अपनी स्क्रिप्ट में ऐड लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हो। यस, तो मैं आपको ये चीज आज बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेके चलता हूं मैं पीसी पर और आपको अकाउंट करके जनरेट कैसे आपको कोड निकाले और कैसे आपके स्क्रिप्ट में आपको ऐड लगाने, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। यार अभी तक नहीं किया, दूसरी बार बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल भी नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए चलते अपने पीसी स्क्रीन पर। ओके गाइज, हम आ चुके हैं अपने पीसी स्क्रीन पे। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको ब्राउजर में। जैसे ब्राउजर में आ गया तो हमने आपने बताया, मैंने जो पिछली में मैंने आपको स्क्रिप्ट बताई थी वो ये स्क्रिप्ट आपको बताई, आप देख सकते हो इसमें कहीं पर भी कोई एड नहीं लगा हुआ है। और आप भी जो हम डालेंगे वो विदाउट एडसेंस अप्रूवल के हम इसके अंदर एड डालेंगे। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल में। गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है www.revenuit.com, जो ये है जो आपको एड देगी और इजीली आपको यहाँ पे भी परमिशन दे देगी हाथ हुआ। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना, सीधा क्लिक कर देना ज्वाइन नाउ फ्री पे। ठीक है, जैसे आप ज्वाइन नाउ फ्री पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप का एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम आम कैटेगरी जो आपका ईमेल एड्रेस है वो डाल के यहाँ पे ये जो है यहाँ पे बता रहा आपको वन प्लस, तो यहाँ पे एक ही होगा, यहाँ पे करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना। और वहां से आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल के थ्रू आपको सीधा ईमेल पे क्लिक करके, क्लिक करने के बाद में जैसे मैं आपको ईमेल पे आके दिखा भी देता हूँ कि इनकी किस तरीके की ईमेल आएगी। तो चलो मैं अपनी ईमेल आईडी पे हूँ, तो यहाँ पे होगी रेवेन्यू इट की, यहाँ पे ईमेल होगी कोई आई हुई एक, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे रेवेन्यू इट की होगी। चलो वो ईमेल आती है, उस ईमेल में आपको वेरीफाई करना, आप सब जानते हो वेरीफाई कैसे होती है। वेरीफाई करने के बाद में आके आपको सीधे आप आ जाओगे साइनअप पे। ठीक है, जैसे आप साइनअप पे आओगे, साइन में आने के बाद में आपको यहाँ पे मांगेगा ये साइन इन का बटन, तो यहाँ पे साइन इन के बटन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके आईडी एंड पासवर्ड आपको लगा के और यहाँ पे सीधा साइन अप कर देना। साइन अप करते सीधे आप इसके अंदर चले आओगे। ठीक है, और आपको वेरीफाई करके पूरे तरीके से नाम नंबर जो आपसे मांग रहे वो डाल के पूरे तरीके से ओके, फिर आपको यहाँ पे आगे साइन अप कर देना। ठीक है, जैसे साइन अप होगी, साइन अप होने के बाद में सीधे आप एंटर हो जाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा क्या नेट मेरा स्लो हो सकता है, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी देरी हो रहा है यूज। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई तो यार माफ कर देना, कोई एकदम इजीली। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सीटी आ रहा है वगैरह आपको सब यहाँ पे पूरी की पूरी दिखा देगी। तो मैंने इसको भी अभी अभी ही ज्वाइन किया है। ठीक है, फिर आपको बनाने हैं बैनर, फिर आपको आप ऐसा करो, पहले आपको जाना है यहाँ पे अकाउंट में, जो सबसे पीछे आपको दिखाई दे रहा है अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स में आपको क्लिक कर देना। जैसे आप अकाउंट में क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का फिलोप, ये आपको अगर पेपल के जरिए आपका पेमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम आप $5 होते हैं आपके निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम है आपको, यहाँ पे आपका जो आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, यूजर नेम डाल के आपको अपने नंबर हम्बर सब डाल के यहाँ पे पूरा एकदम इजिली रेडी कर देना। ठीक है, उसके बाद में वापिस आने के बाद आपको सीधे आ जाना है यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद में आपको कर देना है यहाँ पे क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आपको दिखा रहा है क्रिएट एक न्यू न्यू मेथड। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का आए भाई, किस तरीके का आप बनाना चाहते हो। तो मेरी मानो तो आप ऐसा करो, उनके लिए जो आप स्क्रिप्ट में लगाना चाहते हो तो ये बैनर एड ही आप लगाओ। तो बैनर एड भी मैं क्लिक करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको देना है बैनर कोड का, जो भी होगा बैनर कोड का आपको यहाँ पे देना है इजिली उनका नाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, बैनर टू मैं बना चुका हूँ पहले, तो बैनर थ्री मैं इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, नाम देने के बाद में आपको यहाँ पे डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट ही रहने देने, इसके लिए कुछ आपको नहीं करना, जो है डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आप है, जो यहाँ पे नाम आपने दिया है ना बैनर टू, इसको कॉपी करके और यहीं पे आके नीचे सिंपली आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका आ चुका है बैनर, और उसके बाद में आपको आ जाना है यहाँ पे, देखो एक आंख का बटन आ रहा है इससे आगे वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिखाएगा, आप देखना चाहो तो आपका ऐड किस तरीके का दिखेगा, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपका इस तरीके का एक बैनर दिखेगा। ठीक है, तो उसके बाद में आने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जो ये आपको जो नजर आ रही है, जो यहाँ पे आगे आगे ऊपर आ रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो आपको कोड मिलेगा, इस कोड को आपको कर देना है पूरा का पूरा कॉपी। जैसे आप यहां से कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद में आपको चलना है अपने ब्लॉग में।
ब्लॉग में आने के बाद में आपको आना थीम्स में, ठीक है। और यहाँ पे जो इनकी मैं करूंगा यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं गया, और जाने के बाद में मैं सीधे खोलूंगा इसे नोट पैड में, जो हमारा नोट पैड होता है उसके जरिए हम इसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो जैसा मेरा ये है तो मैं इसको यहाँ पे करूंगा सीधा एडिट बाय नोट पैड पे, यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा और इस कोडिंग को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी सारी की सारी कोडिंग है जो मैं वहां से अभी उठाकर लाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऊपर चलूंगा, ऊपर चलता जाऊंगा, आपको कोडिंग आपके एड लगाने, एड वाले आपको कोड लगाने, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइप टू कंटिन्यू कुछ दिखा रहा, तो यहाँ पे आप अपने ये ब्लॉगर की जो है आपने यहाँ पे लिंक दे देनी है, जो मैंने आपको पहले वहां उस ब्लॉग में बता के रखा है। इसके बाद में यहाँ पे मैं नीचे चलूंगा, यहाँ पे आएगा अपने एड वाला दिए हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मिनी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के हम नीचे चलेंगे तो जस्ट इसके नीचे यहाँ पे कोडिंग ही होगी। अब यहाँ पे ये देख रहे हो ये एड की कोडिंग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस स्क्रिप्ट से लेके और इस स्क्रिप्ट तक आपको यहाँ पे लगा के और अपने वाला जो है उसको पेस्ट कर देना है। ट्राई करने के लिए एक ही मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं करके पूरा इसे करूंगा सेलेक्ट करने के बाद इसे करूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद में वापस जाऊंगा ब्राउजर में, और ब्राउजर में इसको मैं यहाँ से हटा के और अपना जो नया वाला लाया हूँ इसे मैं कर दूंगा कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूंगा सेव थीम पर क्लिक। जैसे थे क्लिक हुआ, क्लिक होने के बाद में हम चलेंगे अपनी सीधी स्क्रिप्ट के ऊपर। स्क्रिप्ट यहाँ पे आप देख रहे हो कोई यहाँ पर भी एड नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ से इसको करेंगे रिफ्रेश, ठीक है। हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करते वन सेकेंड आप रुकिए, यहाँ पे एक जगह पे आपको एड दिख जाएगा, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे अपना नाम लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसमें अप्रूवल होने के लिए एड आपका अप्रूवल होगा सिर्फ एक घंटे के अंदर, आपका जो एड होगा वो वहां से अप्रूवल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या, जो आपने मैंने अभी जो नई वाली ली थी मैंने वो एड लगा, अपने को आगे एड देने शुरू कर देगा एक घंटे के अंदर। एक घंटा ज्यादा से ज्यादा लेगा, ऐसे ज्यादा टाइम ये नहीं लेगा, क्योंकि अप्रूवल होने में 48 घंटे लेता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ टाइम नहीं लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एड अपने आने के लिए ये एक घंटे के अंदर आपके एड यहाँ पे शो कर देगा। तो 100% ये आपका काम करेगी, वर्क भी करेगी, मैंने खुद ने इजीली मैंने यूज किए, तो इसके जरिए आप एड लगा सकते हो। अगर आपका एडसेंस हो जाए अप्रूवल तो और भी अच्छी बात है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।